ओख पुरावो माटी रंगावो आज मेरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाऊं खुशी ये बताऊं आज मेरे पिया घर आएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे जी हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हेरी सखी मंगल गावो गीत धरती अंबर सजावोरी उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी। धरती अंबर सजावोरी मोहे काला टीका लगावोरी उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे पिया घर आ। रंगों से रंग मिले नये नये ढंग खिले। हे जी रंगों से रंग मिले नये नये ढंग खिले। खुशियाँ द्वारे डाल डेरा पीहू पीहू पपीहार टे कुहू कुहू कोयल जपे। पीहू पीहू पपीहार टे कुहू कुहू कोयल जपे। आंगन आंगन है परियों ने घेरा अनहद नाद बजाओ री सब मिल आज
घर आवेंगे। हरे कृष्णा। परम सौभाग्य श्री हरि नाम का आश्रय करते हुए सुंदर हरि भक्तों के साथ बैठकर साधना करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का ये सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। यूं तो आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिन है और आज के दिन की बड़ी महिमा है। भारत में फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष और द्वितीया आज दूज है और फाल्गुन शुक्ल द्वितीया हमारे ब्रज में बहुत सुंदर उत्सव, ब्रज में बहुत सुंदर फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे हम फुलेरा द्वीज कहते हैं, फुलेरा दौज। आपके मन में यह भी हुआ होगा कि भाई शुरुआत में मंगलाचरण होता है, ये गाना क्या हो गया है, ये गीत ही मेरा मंगलाचरण है आज, क्योंकि आज ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। आज फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन, आज ही के दिन विधाता ब्रह्मा ने भांडिर वन में राधा और कृष्ण का विवाह कराया था। सो कथा का प्रथम दिन और राधा कृष्ण का विवाह, योगानुयोग, ये बहुत सुंदर योग आज स्थापित हुआ है। सो सर्वप्रथम आज के दिन की महिमा को समझते हुए हम सब राधा और कृष्ण के इस विवाह लीला को ब्रह्म वैवर्त पुराण के 66वें अध्याय से समझने का, कुछ चिंतन मंथन करने का प्रयास करेंगे। यूं तो ये ग्रंथ वेदव्यास मुनि ने लिखा है, परंतु यह कथा स्वयं भगवान नारायण सुना रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं, एकदा कृष्ण सहितो हिज नंदो वृंदावनम ययो तत्रोपवन भांडीरे चारयामास गोधनम। आज के दिन, आज से 5,500 वर्ष पूर्व आज के दिन क्या घटना घटी, ब्रह्म वैवर्त पुराण से आप सुनिए किस प्रकार से राधा कृष्ण का विवाह हुआ, आस्वादन कीजिए। अपने विवाह की डेट तो सब याद रखते हैं, एक भी बंदा नहीं होगा कि अपने विवाह की डेट याद ना हो, लेकिन यार भगवान के विवाह की डेट इनमें से आधे लोगों को भी नहीं पता होगा। ये तो मैंने आज पाठ मांडा, अच्छा हुआ, और सुबह सुबह आप जगे हैं। अमेरिका वालों के लिए तो अच्छा है कल है, लेकिन भारतवासियों के लिए तो आज मैरिज एनिवर्सरी है राधा और कृष्ण की। सो
श्री भगवान नारायण कहते हैं, श्री व्यास मुनि ब्रह्म वैवर्त में लिखते हैं, एकदा एक समय की बात, लगभग भगवान श्री कृष्ण एक दो साल के होंगे, बहुत छोटे से थे, और एक दिन नंद बाबा के मन में इच्छा हुई कि आज मैं वन में गैया चराने जा रहा हूं और बड़ा होकर कृष्ण भी गोपाल बनेगा, कृष्ण भी गैया को चराएगा, तो क्यों ना छोटे से लाला को कन्हैया को ही मैं मेरे साथ लेकर चलूं। तो एक दिन नंद बाबा कहते हैं, एकदा कृष्ण सहितो नंद वृंदावनम ययो। अकेले नंद बाबा नहीं, कृष्ण सहित नंद बाबा ब्रज में गए गैया चराने के लिए। कभी कभी होता है ना, कुछ बिजनेस करने वाले लोग अपने बच्चों को अपने बिजनेस ऑफिस में कभी कभी लेकर जाते हैं, तो ऐसा ही हुआ। महामंत्र बोलिए अमित नारायण बोलिए तीन बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, महामंत्र बोलिए अमित नारायण, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राधे। एकदा कृष्ण सहितो नंदो वृंदावनम ययो। श्री नंद बाबा वृंदावन गैया चराने के लिए पहुंचे हैं। तत्र उपवन भांडिरे, और गैया चराते चराते कहां पहुंचे, बोले भांडिर वन में। और चारिया मास गोधनम, और भांडिर वन में जाकर गोधन को चराने लगे। अब देखिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, देखिए एक एक व्यावहारिक शिक्षा भी मिलती है कि कृष्ण को गोद में ले रखे हैं और 900,000 गैया चर रही है, और जब घास खाने के बाद गौ माता को प्यास लगी तो क्या हुआ, कहते हैं सरह सुस्वादु तोयश्च। नंद बाबा सभी गैया को लेकर सरोवर के पास पहुंचे भांडिर वन में, और उस भांडिर वन में बहुत सुंदर सरोवर था, और सरोवर का जल सुस्वादु, तो सरोवर का सुस्वादु जल श्री नंद बाबा ने पाया मास पहले गौ माता को पिलाया। अब गाय और नंद बाबा दोनों एक साथ घर से निकले थे, तो जितनी प्यास गाय माता को लगी उतनी भी नंद बाबा को लगी, लाला को लगी। लेकिन नंद बाबा ने क्या किया, पाया मास, संस्कृत में गौ माता को पाया मास जल पान कराया, और तत् पयो, और उसके बाद स्वयं पान किया। हम होते तो पहले हम पीते और फिर पशु पक्षियों को पिलाते,
लेकिन नंद बाबा का गौ माता के प्रति यह सुंदर भाव है, प्रेम है। सो भांडिर वन में गैया चर रही है और गैया चरते हुए प्यास लगी तो सुंदर सरोवर का जल पान कराया और ततः पपो स्वयं नंद बाबा ने पिया, कृष्ण को पिलाया। और जल पी लेने के बाद उवास वृक्ष मूले, भांडिर वन में एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे नंद बाबा बैठे। कैसे? बालम कृत्वा स्ववक्षसी, अपने बाल को, अपने बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को, कृष्ण को, कृत्वा स्ववक्षसी, अपने वक्ष में, अपने गोद में लेकर कृष्ण एक वृक्ष के नीचे नंद बाबा बैठ गए। कुछ देर नंद बाबा रेस्ट कर रहे थे, दोपहर का समय हो चुका था, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। तब भगवान नारायण कहते हैं, व्यास मुनि लिखते हैं, एतस्मिन अंतरे कृष्ण माया मानुष विग्रह। कृष्ण तो कृष्ण है, उस बीच में क्या हुआ कि जब वो वृक्ष के नीचे बैठे थे तो कृष्ण, जिसने माया से मनुष्य विग्रह प्राप्त किया है, कृष्ण जो योग माया से मनुष्य लीला कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने चकार माया, अपनी माया से चकार माने अचानक कुछ किया। क्या किया कृष्ण ने? कस्मान एच्छा अन्नम नभो मुने, भगवान श्री कृष्ण ने अचानक नभ को, बिल्कुल दोपहर का समय था लेकिन आकाश में अंधेरा छा गया, अनेक प्रकार के मेघ बादलों से आकाश पूर्ण भर गया और धीरे धीरे परिस्थिति मेघावृतम नभो दृष्टवा, नंद बाबा ने देखा कि आकाश मेघों से आवृत हो गया, काले काले बादलों से आवृत हो गया। दृष्टवा श्यामलम कानन अंतरम, और उस कानन में, उस वन में, कानन माने वन में, श्यामलम दृष्टवा माने उस वन में पूरा अंधेरा छा गया और अंधेरे के साथ साथ झांझावातम, झांझावात होने लगा, महाशब्दम, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, वज्र शब्दश्च दारुणम, और वज्रपात होने वाला हो ऐसा भयंकर नाद होने लगा। अब नंद बाबा मन में सोचे कि आज ही मैं कृष्ण को अपने साथ लेकर आया और ये आज ही होना था, लेकिन बेचारे नंद बाबा कहां जानते थे कि ये करने कराने वाला कृष्ण ही तो है। इसलिए आगे कहा ना, माया पात विग्रहम, ये लीला कृष्ण की है, लेकिन नंद बाबा अफसोस कर रहे, माथा पीट रहे हैं, मैं खाली फोकट कृष्ण को साथ लेकर आया। और फिर तो क्या हुआ, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, और फिर तो वृष्टि धाराम अति स्थूलाम, भयंकर वर्षा होने लगी। स्थूलाम माने बारिश की मोटी मोटी बूंदे गिरने लगी। वृष्टि धाराम मति स्थूलाम कंपनानंश्च पादकान, और इतनी बारिश होने लगी कि पादपान, पादप माने होता है वृक्ष। वृक्ष को पादप क्यों कहते हैं? आप पहली लाइन के अंत में एक शब्द है ना, पादपान माने वृक्षान, तो वृक्ष को पादप कहते हैं। पाद माने पग और प माने पीना। वृक्ष जो है पग से जल को पीते हैं, इसलिए वृक्ष का नाम है पादप। पाद से प माने पीना, पग से पीना। तो पादपान कंपनाश्च, सारे वृक्ष कांपने लगे, ये गिरे ये गिरे, इस प्रकार की परिस्थिति होने लगी। और दृष्टु एवं पतित नंदो भयम आपव, और नंद बाबा के देखते देखते वृक्ष गिरने लगे और नंद बाबा पूर्ण भयभीत से होने लगे। अब नंद बाबा सोचते हैं, मन ही मन में विचार करते हैं, ये नंद बाबा के विचार हैं जो व्यास जी ने श्लोक में लिख दिया, कितनी अच्छी बात। नंद बाबा मन ही मन में विचार करते हैं, सबसे पहले तो अफसोस करते हैं, क्यों मैं कृष्ण को लेकर आया,
और अब जब कृष्ण को लेकर आया और भयंकर झांझावात, आंधी तूफान, ओले, वर्षा, भूकंप, ये सब गिरने लगे, अंधेरा हो गया, तो कथम यास्यामि गोवत्सान, अब मैं ये गाय और बछड़ों को कैसे घर पर ले जाऊंगा? क्यों भाई आप नहीं ले जा सकते? बोले गाय और बछड़ों को घर ले जाने के लिए दौड़ना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, और हाथ में कृष्ण है, छोटा सा लाला, अभी इस वर्षा में कहां उनको घुमाऊंगा। तो कथम यास्यामि गोवत्सान विहाय स्व आश्रमम व्रत, और कैसे मैं इनको छोड़कर जा सकता हूं, न इनको छोड़कर जा सकता हूं न लेकर जा सकता हूं। गृहिम यदि न आस्यामि भविता बालकस्य किम, और समय से घर पर नहीं पहुंचूंगा तो ये बालक की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि समय से लाला को दूध भी चाहिए। इस प्रकार से नंद बाबा पूर्ण परेशान एवं नंदे प्रवृद्धति, और नंद बाबा ऐसा सोच ही रहे थे तब तक तो गोद में जो लड़का था रुरोद जोर जोर से रोने लगा। अब कृष्ण को यही बाकी रह गया था, एक तो माया से ये सारी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न कर दी, बेचारे नंद बाबा चिंता में है, तब तक तो गोद में बैठे बैठे करके जोर जोर से रोने लगे। तो रुरोद श्री हरि तदा, तदा उस समय हरि भगवान श्री कृष्ण रुरोद जोर जोर से रोने लगे। देखो आचार्य की दृष्टि, व्यास व्यास है भक्तों, शब्द देखो, जहां रुरोद शब्द आया वहां हरि शब्द डाल दिया, माने रुरोद, इससे ये मत समझ जाना कि ये कोई साधारण लड़का है, जैसे हमारे बच्चे रोते हैं वैसे रो रहा है, नाक से गंगा जमुना बह रही है, आंखों से ये और बाल कपड़े का ठिकाना नहीं। बोले रुरोद रो तो रहा है लेकिन हरि, ये हरि है, सबके मन को रोते हुए भी मन को हर रहा है, चित्त को हर रहा है, इसलिए तो हमारे वहां गाते हैं, कृष्ण कृपाणु निरखी शोभा, कृष्ण कृपाणु हिज निरखी शोभा, सड़गे सगड़ी वासना, आ सड़गे सगड़ी वासना, यमुना जल मा केसर घोली, अन स्नान करावू श्यामला। सो रुरोद श्री हरिस्तदा, रो तो रहा है लेकिन हरि माने हर रहा है सबके चित्त को, सबके मन को। तो एवं नंदे प्रवदति, इस प्रकार से नंद महाराज विचार कर ही रहे थे कि मैं क्या करूं क्या करूं, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट थे तब तक तो ये लड़का रोने लगा। पयो भिया हरिश्चैव पितु कंठ दधार च, कुछ देर के लिए नंद बाबा ने यह भी सोचा कि मैं इस वृक्ष के नीचे कन्हैया को छोड़ दूं और सारी गैया को बटोर कर आऊं, लेकिन क्या हुआ, पयो भिया पानी के भय से, ये बारिश आंधी ओले के भय से, हरिश्चैव हरि भी, भगवान श्री कृष्ण भी इतने भयभीत हो गए कि पितु कंठ दधार च, अपने पिता के कंठ को पकड़ लिया, मतलब बिल्कुल गले से लिपट गए। तो अब नंद बाबा क्या करते, अब तो और चिंता में पड़ गए कि यार अब तो न घर जाने को बनता है, न गैया को बटोरना बनता है, वर्षा हो रही है, पेड़ गिर रहे हैं, क्या करूं क्या करूं। इस प्रकार से नंद बाबा सोच रहे हैं, और उसी समय क्या हुआ, इस प्रकार से नंद बाबा बिल्कुल भयंकर परिस्थिति में फंस गए। उसी समय नंद बाबा ने देखा कि दूर से एक प्रकाश पुंज निकल रहा है, एक करोड़ों करोड़ों सूर्य की आभा निकल रही है, और नंद बाबा ने अपनी दृष्टि थोड़ी चौकन्नी की तो उस प्रकाश में से एक बहुत सुंदर कन्या प्रकट हुई, वो और कोई नहीं, वो श्रीमती राधा रानी है। और नंद बाबा को जान में जान आई
कि चलो इस निर्जन वन में कोई तो मिला। सीधे नंद बाबा ने राधा को बुलाया और कहा कि राधा बेटा तू यहाँ क्या कर रही है। बोले माता ने भेजा था, ये वो चर्चा चली। नंद बाबा ने कहा ठीक है हमारे पास टाइम नहीं है, बेटा तू एक काम करेगी। बोले क्या? बोले ये कन्हैया को गोकुल छोड़ देगी ताकि मैं ये सारी गैया को यहाँ से सब कुछ लेकर आऊं। बोले जी बाबा जैसे आपकी इच्छा। नंद बाबा ने बहुत कहा कि धन्यवाद, तुम तो हमारे लिए एक वरदान बनकर आई हो, हमारे लिए बहुत है? इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को अपने साथ में लेकर जा रही है। अब आप विचार कीजिए वो दृश्य कैसा होगा, राधा और कृष्ण दोनों उंगली पकड़ के जा रहे हैं, दोनों उंगली पकड़ के चलते हुए जा रहे हैं। इस दृश्य को देखने के लिए देवताओं का बाप ब्रह्मा मचल गया और व्यास मुनि ने लिख दिया एतस्मिन अंतरे ब्रह्मा जगाम पुर तो हरि ही। इस दृश्य को देखने के लिए पितामह ब्रह्मा प्रकट हो गए कि आह क्या छवि है, राधा और कृष्ण दोनों उंगली पकड़कर जा रहे हैं। राधा और कृष्ण के इस दर्शन को देखकर ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए और ब्रह्मा जी अपने आंखों के आंसू से राधा और कृष्ण के चरणों का अभिषेक कर दिए। दोनों हाथ जोड़कर गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि वेणुं कुणंतम अरविंद दलाय ताक्षम ब्रह्म स्तुति। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति की। ब्रह्मा जी ने यह भी निवेदन किया कि मैंने पिछले हजारों वर्षों से तप किया था और उस तप से कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करने का फल आज मुझे मिला, राधा रानी का दर्शन। हे श्रीमती राधा रानी आप मुझ पर कृपा कीजिए। श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि मैं आपको वरदान देती हूं, आप खूब भक्ति में आगे बढ़े। और ब्रह्मा जी अब मैं आज बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि कन्हैया मेरे साथ है, तुम्हें जो चाहिए हमसे मांग लो। तब ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर सिद्धांत की बात बताई। भक्तों ये सब चीजें हमारे जीवन में बहुत समझने सीखने लायक है। ब्रह्मा जी कहते हैं त्वं कृष्णां अंगसंभूता तुल्या कृष्णेन सर्वतः श्रीकृष्ण त्वमयं राधा त्वं राधा हरि स्वयं। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर बात कही कि त्वम कृष्ण अंग संभव। हे श्रीमती राधा रानी त्वम आप तो कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हो और इसलिए तुल्य कृष्णेन सर्वत, सभी प्रकार से आप कृष्ण के तुल्य, कृष्ण की बराबरी, कृष्ण के समान ही हो। श्री कृष्ण स्वयं राधा, राधा त्वम स्वयं हरि। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कई बार दुनिया के मूर्ख लोग कहते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। आप लोग राधा कृष्ण को मंदिर में रखते हैं, राधा कृष्ण को पूजते हैं, राधा कृष्ण का कभी विवाह हुआ है? भक्तों मैं तो सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, विवाह तो उसका होता है जो दो अलग होता है। विवाह माने क्या? दो अलग रूढ़ी, दो अलग संस्कार, दो अलग परिवार में जिसका जन्म हुआ है और उनको जोड़ने की जो विधि है वो है विवाह। विवाह तो उसका होता है ना कि जो दो अलग हैं फिर उसको जोड़ने के लिए विवाह। लेकिन जो एक ही है, राधा और कृष्ण एक ही है, ऐसे एक ही स्वरूप का विवाह कैसे किया जा सकता है? ब्रह्मा जी ये सिद्धांत कहते हैं कि त्वम कृष्ण अंग अंध संभूता, कृष्ण के आधे अंग से संभूत हुई हो, सर्व प्रकार से कृष्ण के तुल्य हो,
राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा है, तो राधा कृष्ण के विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं है। आपको कोई कहे, ये मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, अभी वहां सुनील भाई ने कहू, सुनील भाई तुम्हारा सुनील भाई साथ लगन थिया छे? सुनील भाई साथ लगन करवानी शू जरूर छे? सुनील और सुनील एक ही है, जो एक ही है उसके साथ विवाह की कोई प्रश्न ही नहीं है। राधा कृष्ण एक है तो इसमें प्रश्न का कोई जिज्ञासा ही नहीं बचती। ब्रह्मा जी ने इस श्लोक से यह सिद्धांत कह दिया। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप दोनों एक ही हैं, आपके लिए कोई विवाह कोई आवश्यकता नहीं। तथापि प्रभु, कलयुग की बुद्धि वालों को समझाना बड़ा कठिन है। ये कलयुग की बुद्धि अपना ही बुद्धि अपने स्टैंडर्ड से ही आपको देखने का प्रयास करेगी। तो कलयुग ये जीव आपके ऊपर दोषारोपण न करे, यद्यपि आपको विवाह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अब आप प्रकट हो चुके हो और मुझे कहते हो कि वरदान मांगो, तो मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि मुझे आप दोनों का विवाह कराने का अवसर दे दीजिए। क्योंकि यहाँ नंद बाबा 9 लाख गायों को ऐसे कलेक्ट करेंगे तो वहाँ एक गाय को 1 मिनट लगेगी, तो 9 लाख मिनट तो वो बिजी वहाँ रहेंगे। वहाँ ब्रज में से घर से कोई ये आंधी ओले तूफान घर से कोई निकलने वाला नहीं, तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है प्रभु आप दोनों की शादी कराने का। फिर से कहूँ प्रभु, श्लोक के अनुसार आपको कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी मुझे सौभाग्य मिलेगा और एक मर्यादा स्थापित हो जाएगी और जगत के लोग उंगली उठाना बंद कर देंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी तो स्वयं विधाता है और ऐसे विधाता ने कहा कि मैं मेरे हाथों से आपका विवाह कराना चाहता हूँ। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने निवेदन किया तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मणोक्तेन विधिना चकार हवन स्वयं। राधा और कृष्ण एक दूसरे के सामने देखते हैं, क्या ख्याल है राधे? कृष्ण ने कहा ठीक है कर लेते हैं, राधा जी ने कहा ठीक है साधु की इच्छा है तो कर लेते हैं। तो ठीक है प्रभु, मुझे तो सारी विधि आती है, मैं सारी विधि जल्दी जल्दी करूंगा। सो ब्रह्मा जी राधा और कृष्ण दोनों को बिठाए, ब्राह्मण उक्तेन विधिना चकार हवनम स्वयं, और प्रणह पुन कृष्ण राधाम त्वाम जनक स्वयं। राधा और कृष्ण को बिठाकर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले माणिक स्तंभ को रोप दिया। तुम्हारे माणिक स्तंभ रोपे, हेलो आपने आज रोपी दी है। कंकु छाटी कंकोतरी मोक केसर छाटी कंकोतरी मोक लो, ए मालखो मारे राधा जी ना नाम, माणिक स्तंभ रोपियो जेनी जग मा मळे नहीं जोड़े, मारे राधा जी नागर वेल नो छोड़, माणिक स्तंभ रोपियो। पेली कंकोत्री कोना घरे मोकलशो? यजमान ना घरे मोकले, बड़दे भाई कोना घरे मोकलिए? हालो पेली कंकोत्री आपड़े श्याम सुंदर प्रभु ना घरे मोकली दईए एटले आमा बधाई आवी जाए। भूमिका बेन, सुनील भाई, मनीषा बेन बधाई आवी जाए। पेली कंकोत्री
श्याम सुंदर प्रभु घेर मोकलो प्रभु जी हो शे राधा जी परणावो माणिक स्तंभ रोपियो। हेलो बीजी गंगोत्री, ये मेरे बाजू में जितने बैठे हैं, बीजी कंकोत्री अमृत चर्चा मोकलो, ये अमृत चर्चा भक्त वेला वेला यावो माणिक स्तंभ रोपी। હવે ત્રીજી કંકોત્રી કોને મોકલશો? યજમાન થઈ ગયા, તમે બધા થઈ ગયા, તો મને કંકોત્રી ના આવવી જોઈએ? હે માં, મેરા ભી કુછ તો બનતા હૈ, મુજે તો આના ચાહીએ ના। હલો ત્રીજી, ત્રીજી કંકોત્રી લાલ ગોવિંદ ઘેર મોકલો, હે ગોવિંદ हर के राधा जी परणावो माणिक स्तंभ रोपी। सौभाग्य की बात यह है कि यह कथा जो है आज के दिन हुई है भक्तों, ये 5,500 वर्ष पहले आज के दिन की घटना का जिक्र हो रहा है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भांडिर वन में राधा और कृष्ण को बिठाया और बहुत सुंदर माणिक स्तंभ रोप दिया। फिर क्या हुआ? देखिए ब्रह्मा की विधि बिल्कुल स्टैंडर्ड है। ब्रह्मा जी क्या विधि फॉलो करते हैं? व्यास जी कहते हैं, तस्या हस्त श्री कृष्णम ग्राह्या मासतम विधि। फिर ब्रह्मा जी ने क्या कहा? कृष्ण का हस्त लिया और राधा का हस्त लिया, राधा और कृष्ण के हाथ विधि के अनुसार अमरते ने हस्त मिलाप कहवाए, विधि के अनुसार राधा और कृष्ण का हस्त मिलाप कराया। एक बार किसी ने पूछा कि प्रभु शादी के समय हस्त मिलाप की विधि क्यों होती है? मैंने कहा सिंपल सी बात है, जब बॉक्सिंग मैच होते हैं ना, बॉक्सिंग, तो दोनों बॉक्सर जब रिंग में आते हैं तो पहले क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं और फिर तुम्हारे शुरू। तो जीवन भर झगड़ा करने से पहले एक बार हाथ मिलाने की जो विधि है उसे हस्त मिलाप कहते हैं, और फिर तो जीवन भर करना ही होता है। तो हस्त मिलाप, तस्या हस्तश्च श्री कृष्णम ग्राह्या मासतम विधि, विधि के अनुसार राधा और कृष्ण का हस्त मिलाप ब्रह्मा ने कराया। और फिर हस्त मिलाप के बाद कौन सी विधि? पुनः प्रदक्षिणम राधा कारयित्वा हुताशनम, हुत अग्नि प्रकट की गई और अग्नि के साक्षी में अग्नि प्रकट करके उनकी प्रदक्षिणा की गई। अब आपने चालू उपाड़ करो तो पूरु करिए। પેલું પેલું મંગળિયું વરતાય રે, પેલે મંગળ સિનારે દાન દેવાય રે, પેલે મંગળ ભૂમિના દાન દેવાય રે, બીજું રે બીજું મંગળિયું વરતાય રે। તો પહેલે પહેલા જો અગ્નિ કી સાક્ષી મેં જો પ્રદક્ષિણા હોતી હૈ ઉસમેં ભૂમિ કા દાન કિયા જાતા હૈ, ફિર અગ્નિ કી દૂસરી પ્રદક્ષિણા જબ હોતી હૈ તબ ઉસમેં કુમકુમ કા દાન કિયા જાતા હૈ, ફિર તીસરી પ્રદક્ષિણા મેં મંગલ ગૌરી કા દાન। ઇસ પ્રકાર સે બહોત સુંદર ब्रह्मा जी ने पुनः प्रदक्षिणम राधाम
कार्यित्वम हुताशनम। और फिर और एक विधि आती है, तो वैसे ब्रह्मा जी जानते हैं। और एक बहुत सुंदर विधि कहते हैं, पारिजात प्रसूता नाम मालाम जानु विलंबितान। बहुत सुंदर, पारिजात, पारिजात का वृक्ष होता है और उसका बहुत सुंदर फूल होता है। तो पारिजात वृक्ष का जो फूल था, उस फूल की बहुत सुंदर माला, और माला कैसी थी, हमारे वहां कुछ लोग माला में इतनी कंजूसी करते हैं, तो यहां तक इतनी माला होती है, केवल इतनी। हम गड़ा फो दे दें, हम थोड़ा सा माला होगा, मोटे गले वाले को तो गले, कभी कभी बड़ी हंसी आती है जब माला पहनाने आते हैं तो इसे गले में डालते हैं, लेकिन वो जाती नहीं क्योंकि माला इतनी छोटी है। तो कहते हैं पारिजात, पारिजात फूलों की सुंदर माला, और वो माला कितनी थी, जानु विलंबितम। जानु माने घुटन, आप लोग गोठन के नी, तो नी तक, घुटन तक लंबी माला थी। श्री कृष्णस्य गले ब्रह्मा राधा द्वारा ददो मुदा। प्रसन्न चित होकर राधा जी, प्रसन्न चित होकर सर्वप्रथम राधा रानी ने कृष्ण के गले में माला डाली, और फिर दूसरी माला लाई गई, तो राधा गले हरि द्वारा ददो मालाम मनोहरम। और फिर हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के गले में माला डाल दी, प्रिया प्रियतम मिल गए, फीकी बड़ी बारात। श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री राधा कृष्ण विवाह महामहोत्सव की। अब राधा ने अपना काम कर लिया, कृष्ण ने अपना काम कर लिया, ब्रह्मा ने अपना काम कर लिया, हम ठहरे बराती, अब हमारे लिए क्या बचता है। तो देखिए नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं कि एतस्मिन अंतरे देवा। जब इस प्रकार से राधा और कृष्ण का विवाह ब्रह्मा के द्वारा, आज के दिन भक्तों, आज का बहुत सुंदर यह दिन है, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, सो आज के दिन जब इस प्रकार से राधा कृष्ण का विवाह हुआ, तो एतस्मिन अंतरे देवा, उस समय सारे देवता आकाश में प्रकट हो गए। हम देवताओं ने तो आऊ जो तू जो, देवता ऐसे ही अवसर खोजते हैं, कहीं शादी ब्याह, कहीं हम सारू हो ये मत देवता आवे, बाकी खराब मत ना आवे। तो एतस्मिन अंतरे देवा, सारे देवता वहां पर आए, और स आनंद पुलको दमा, और देवता बड़े आनंद में थे, बड़े उत्साह में थे, और देवताओं ने क्या किया, दुंदु भी, कुछ देवता दुंदु भी बाजे बजाने लगे, कुछ मृदंग, पखावत, शहनाए, तुर हुई, अनेक प्रकार के बाजे देवता बजाने लगे। पारिजात प्रसूना नाम, और आकाश में खड़े खड़े पुष्पों की वृष्टि करने लगे, और जगु गंधर्व प्रवरा, गंधर्व गाने लगे, और जितने भी भक्त थे सब लोग प्रेम से नाचने लगे। सो व्यास मुनि अंत में लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन, जहां राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है, इस विवाह की कथा सुनता है या इसमें कीर्तन और नृत्य करता है, तो उसके विवाहित जीवन में कभी भी कोई कलह, क्लेश या प्रॉब्लम नहीं आता। अब यदि आपको अपने विवाहित जीवन को सुखी और मंगलमय रखना है, तो दो पांच मिनट के लिए भाव से खड़े होकर हैं हरिनाम कीर्तन के साथ, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीन जियो, श्री वृंदावनवा, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या
की, तीनों लोक के नाथ है, सोते रोवाधीन, सोते रोवाधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, हो वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधे से पहाड़ में, मैं जमुना को पीयू बसे पहाड़ में, मैं जमुना को अब तो मिलना मुश्किल है, अब तो मिलना मुश्किल है, मेरे पैरों में पड़ी जंजीर, पैरों में पड़ी जंजीर, मोरी नींद गई मोहे, चैन नहीं गए शाम खूब जा पास हो,
दर्शन बिना भई बावरिया, मोरी नींद गई मोहे चैन नहीं गए, शाम खूब जा पास हो दर्शन बिना भई खूब जाने कछु कामण की ना, शाम को वश कर ली ना, बिरहा यकन खूचत है सीना, कैसे होगा जीना हो प्यारे कैसे कोई जाके कहो पियो पास रहो, कोई जाके कहो पियो पास रहो, पूरो मन की आस रे घर आवो मेरे सांवरिया, मोरी नींद गई शाम तुब जापास हो दर्शन बिना भई बावरिया, दर्शन बिना बनी बावरिया, मैं तो दर्शन बिना भई बावरिया, घर की प्रीत पसंद नहीं आई, कीनी प्रीत पराई सखी, घर की प्रीत पसंद नहीं आई, कीनी प्रीत पराई, गोरी राता को बिसरा कर काली कुब जा भाई सखी, गोरी दाता को बिसरा कर काली खूब जा भाई हो प्यारे काली खूब जा भाई हो प्यारे काली खूब जा भाई, नटवर नागर आनंद सागर, नटवर नागर आनंद सागर, मैं हूँ चरण की दासी हो दर्शन बिना वही बावरिया, मोरी नींद गई मोहे चैन नहीं गए, श्याम खूब जा पास हो दर्शन बिना भई बावरिया, दास तार प्रभु दर्श दिखावो, श्याम सुंदर घर आवो, दास तार प्रभु दर्श दिखावो, श्याम सुंदर सुने पड़े हैं गोप गोपिया, नाथ दया कछु लावो सखी, सुने पड़े हैं गोप गोपिया, नाथ दया कछु हो प्यारे नाथ दया कछु लावो हो प्यारे नाथ दया कछु लावो, हाँ गोकुल सुना है मधुबन सुना, गोकुल सुना है मधुबन सुना है यमुना घाट हो, सुनी फिरे सब गावरिया, मोरी नींद गई मोहे चैन नहीं ग
गए श्याम को बजा पास हो दर्शन मेरा भाई बावरिया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गाइए
आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीतांबर दरुण बिंबफल दरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने करारविंदे नपदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो स्वागत है सभी वैष्णव महानुभाव का श्रीमद् भागवत कथा के आज इस प्रथम दिवस में, और परम सौभाग्य है श्री राधा गोविंद गोशाला द्वारा आयोजित अमृत चर्चा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के द्वारा श्रीमान लाल गोविंद जी के मुखारविंद से हम घर बैठकर इस भागवत कथा को रसपान करने जा रहे हैं। सो धन्यवाद, और धन्यवाद प्रभु जी का कि वे अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे समक्ष उपस्थित होकर इस अमृत चर्चा के माध्यम से आप हम सबको यहाँ पर इस श्रीमद्भागवतम के दसम स्कंध के बहुत ही सुंदर विषय पर हम सबको यहाँ पर स्पान कराने जा रहे हैं। और साथ ही साथ धन्यवाद हमारे इस ऑनलाइन कथा के गौ प्रेमी का, जिनके सहयोग के कारण बस आज हम सबको इस दुर्लभ अवसर को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो हमारे इस समस्त पटेल फैमिली फ्रॉम शार्लोट और श्रीमान लाल गोविंद जी का तथा इन वैष्णवों का हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अभिवादन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण। और साथ ही साथ हम स्वागत तथा धन्यवाद करते हैं हमारे अमृत चर्चा परिवार के सभी वैष्णव भक्तों वृंद का, और उन वैष्णव का विशेष जो कि हमारे साथ में आज इस भागवत कथा के माध्यम से प्रथम बार जुड़े हैं इस अमृत चर्चा परिवार में। सो वी वेलकम यू एज वेल। और साथ ही साथ आप सबको निवेदन भी करें कि यदि आप प्रथम बार ही हमारे साथ में जुड़े हैं और आपको चाहते हैं कि आप श्रीमान लाल गुरुदेव जी के द्वारा होने वाली ये जो भागवत कथाएं हैं या अन्य और भी कार्यक्रम की सूचनाएं आपको अपने डिवाइस पर मिलती रहे, तो इनके लिए हमारे एक जो परफेक्ट सेवा नंबर है जिसके माध्यम से इस सेवा को प्रसारित किया जाता है, आप सब इसका लाभ ले सकते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही सरल कार्य करना है, वो यह है कि हमारा ये जो परफेक्ट सेवा नंबर आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हो, दैट इज 7506337057। आपको यह नंबर पर अपना नाम, नंबर, ईमेल तथा लोकेशन व्हाट्सएप करना है, जिससे कि आप आने वाले दिनों में श्रीमान लाल गोविंद जी के द्वारा होने वाले हर एक कार्यक्रम की सूचनाओं को प्राप्त कर सके। साथ ही साथ हमारे जो गौरी वैष्णव फेस्टिवल्स आते हैं और यात्राएं विशेष होती रहती हैं, ये सारी चीजों का रिमाइंडर आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, जिससे कि आप हमारे साथ में आने वाले दिनों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रहे हो। तो आप इस शुभ का लाभ अवश्य लीजिएगा। और जो भक्त हमारे इस भागवत कथा को YouTube, Facebook के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उन्हें हम निवेदन करें कि यदि आप हमारे साथ में यहाँ पर इस अमृत चर्चा परिवार में जुड़कर इस कथा को श्रवण करना चाहते हो तो कृपया आप इस ऐप को सर्वप्रथम डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका नाम है Zoom। और इसे डाउनलोड करने के पश्चात यहाँ पर आपको एक यूजर आईडी तथा पासवर्ड की आवश्यकता होती है, जो कि आप स्क्रीन पर इसे प्राप्त कर रहे हो। तो इसका जो यूजर आईडी है दैट इज 8761095903 2, और जो पासवर्ड है दैट इज 1008। इसको करते ही आप हमारे साथ में यहाँ पर इस अमृत चर्चा परिवार में उपस्थित होकर इस कथा को श्रवण कर सकोगे। और इसकी लिंक भी हम आपको शेयर कर देंगे आपके YouTube, Facebook के चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, जहां से आप क्लिक करके यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ सको। तो ऐसा करते हैं आप हमारे साथ में इस कथा में यहाँ पर जुड़ेंगे, जिससे कि आप भी हमारे साथ में जुड़ सको। और जो हमारे YouTube के श्रोतागण हैं विशेष, उन्हें हम निवेदन करें कि यदि आप हमारे साथ में इस चैनल के माध्यम से प्रथम बार जुड़े हैं हमारे इस YouTube चैनल पर, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा तथा पास में जो बेल आइकन है उसमें प्रेस कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन, जिससे कि आप आने वाले दिनों में होने वाले हर एक कार्यक्रम को नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त कर सके आपके यूट्यूब चैनल के। तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि अन्य जीवों को भी इसका लाभ मिल सके, वह भी इस प्रकार की कथा को श्रवण कर सके। तो इसी प्रकार हमारे जो फेसबुक के श्रोतागण हैं उन्हें भी हम यही निवेदन करते हैं कि यदि आप हमारे साथ में इस फेसबुक पेज पर प्रथम बार जुड़े हैं इस भागवत कथा को श्रवण करने के हेतु, तो आप सबसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को, इस फेसबुक पेज को जरूर आप लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले दिनों में होने वाले इस प्रकार के कार्यक्रम का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। साथ ही साथ शेयर करते रहिएगा, जिससे कि इस प्रकार की भागवत कथा को अन्य जीवों तक भी हम पहुंचा सके और वह भी श्रवण कर सके और अपने जीवन को कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख कर सके। तो आप सभी भक्तों का सहयोग अनिवार्य है। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर इस कथा का लाभ ले रहे हैं तो प्लीज डू लाइक इट, टू शेयर इट एंड टू फॉलो, जिससे कि हमारा उत्साह वर्धन हो सके और प्रेरणा मिल सके आपसे इस प्रकार के शेयर के माध्यम से। बहुत ही सुंदर हम यहाँ पर भागवत कथा का रसपान करने जा रहे हैं, जो कि हमारे श्याम सुंदर प्रभु के परिवार यहाँ पर सुनील प्रभु और पारुल माता जी तथा ये समस्त परिवार, पटेल परिवार जो कि शालोर से स्थित हैं, उनके द्वारा यह भागवत कथा में सहयोग किया गया है, जिससे कि हम इसका लाभ लेने जा रहे हैं। तो बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम का यह जो विषय है दसम स्कंद में भ्रमर गीत की कथा है, उनको हम आस्वादन करेंगे प्रभु जी के मुखारविंद से कुछ क्षणों में। और यह भागवत कथा आज से प्रारंभ हुई, यानी भारत के लिए 4 से लेकर 10 मार्च तक सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक इसको हमें श्रवण करेंगे, और USA के लिए भक्तों वृंद के लिए 3 मार्च, क्योंकि वहां पर रात्रि है, और 3 मार्च से लेकर 9 मार्च हम इस कथा को आस्वादन करेंगे। सो 7:30 to 10:30 PM
उनके लिए इवनिंग का समय है, तो आप सबसे निवेदन है आप अपनी उपस्थिति जरूर बनाए रखेगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर बहुत ही गुह्य विषय है जिसको हम यहाँ पर रसपान करने जा रहे हैं, आस्वादन करने जा रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है प्लीज बने रहिएगा, श्रवण कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आप सभी व्यक्तियों से हम निवेदन करते हैं प्लीज शेयर कीजिएगा। तो आइए अब समय ना लेते हुए निवेदन करना चाहेंगे परम पूज्य राधाबेन गोस्वामी महाराज की कृपा पात्र श्री शिव श्रीमान लाल गोविंद पूज्य से कि इस प्रथम दिवसीय कथा को वो श्रवण कराए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने शुद्ध विशुद्ध हृदय से यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले शार्लोट निवासी श्री चतुर भाई और कमरा बहन का यह पूरा परिवार, जिनमें प्रमुख है परम पूज्य परम भागवत श्री भक्ति विकास स्वामी महाराज के प्रिय शिष्य श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु, भक्ति विकास महाराज ना शिष्य है ना, यस, श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु, सविता माता, उनकी सुपुत्री भूमिका बेन, अमित कुमार, श्रेया दीपा, और ये हमारे नित्य निरंतर श्रोता शार्लोट से सुनील भाई, पारुल माता, आरती और किशन, किशन नहीं दिखाई दे रहा, और साथ ही साथ मनीषा बेन, संजय कुमार, ऋषि अने राधिका, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। इस परिवार में राधा श्याम सुंदर प्रभु के आशीर्वाद से और उनके प्रयास से यह पूरा परिवार, फिर इनके अमर गुजराती में वेवाई कहवाए हैं, तो इनके सारे वेवाई
पारुल माता जी के पिता, फिर वो परंपरा। तो प्रभु जी ने प्रायः बड़े एग्रेसिव रहते हैं प्रचार करने में, और बहुत सुंदर प्रचार करते हुए पूरे भव्य परिवार को भक्ति साधना में नियुक्त कर दिया है। ऐसे वडिलों की कृपा, ऐसे वडिलों का आशीर्वाद जिस परिवार में हो, वो परिवार अपने व्यावहारिक जीवन में तो उन्नति करता ही है, अपने अध्यात्म जीवन में भी परम उन्नति करता है। वैसे पारुल माता जी की बड़ी कामना थी कि भाई दशम स्कंध और भागवत के दशम स्कंध से भ्रमर गीत की कथा हो। अब कौवे की जुबान से भौरे का गीत, तो हम तो दूर दूर तक नहीं सोच सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो उस वस्तु का अनुभव करके बोलते हैं। प्रायः ये हमारा प्रयास होता है कि भाई इमली खट्टी होती है तो इमली खाई है, खट्टापन पता है, और फिर एक्सप्लेन करते हैं तो वो थोड़ा सा हमें भी आनंद और सुनने वाले को थोड़ा फीलिंग होती है। जो चीज स्वयं अनुभव करते हैं और फिर बोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा पावर होता है, अपना अनुभव होता है। लेकिन एक तो ये गोपिया, हवे आटला मोटा माणसों ने दाढ़ी में हाथ नाखवानो आपड़े, अने पाछो गोपियों का भाव और फिर और गोपियों का विरह, तो ये तो कुल मिलाकर कृपा करें और क्षमा करें कि अन अधिकार चेष्टा करने जा रहे हैं, क्योंकि इतने ऊंचे गीत को वैसे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। गोपियों का मूड क्या है, वो भाव क्या है, और जब वो मूड और भाव समझे बिना बोलेंगे तब तो वो तोते की तरह हो जाएगा, न कोई फीलिंग है न कुछ है। लेकिन फिर मन में लोभ होता है कि भाई आज नहीं तो कब, ये भ्रमर गीत भ्रमर की तरह ही उड़ता रहेगा, हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। तो यूं तो मैं मेरी बात कर रहा हूं कि अनधिकार चेष्टा है, लेकिन फिर भी मैं साहस कर रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे गुरु को सुना है, और गुरुदेव ने ऐसे भागवत के प्रमुख विषयों पर घंटों भर अपना अपना खून देकर, अपना जीवन का सर्वस्व अर्पण करके, हम प्रद्युम्न प्रभु भी साथ में है, हम सब लोग साथ में रहते थे खड़िया में हरिद्वार में, तो गुरुदेव ने पिलाया है। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने सब पिया है, मैं तो घोल के पी गया हूं, नहीं, लेकिन हां ये रस हमने देखा है, ये रस ऐसे रसिकों के बीच में हम बैठे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमने कितना ग्रहण किया, ये तो हमारे गुरु या कुछ हद तक आप लोग या भगवान समझेंगे, क्योंकि आदमी अपने आप को तो ग्रेट ही मानता है। लेकिन कृपा तो बड़ी है। तो ऐसे गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज और अनेक रसिक संतों के चरणों में बैठकर भागवत के इन प्रसंगों को श्रवण करने का अवसर मिला है, और वही सुनी हुई बातें उन आचार्यों के जीवन में जब वो अनुभवित हम देखते हैं, और ऐसा साधक दो दो घंटे तक आप साधना कर रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो ऐसी एक पारुल क्या, 100 पारुल भी कहे तो मैं ऐसा हम हूं कहीं कोई ने झुके झुकवा वालों माना ना थी, लेकिन क्या है ना, साधना कर रहे हैं, और ऑब्वियसली जब हम साधना करते हैं तो कुछ हद तक हमारा मन, हमारी बुद्धि,
हमारी चेतना पवित्र हो जाती है, थोड़ी ऊपर के धरातल पर पहुंच जाती है। और उस ऊंचे धरातल पर पहुंचकर जब हम सुनते हैं तो भागवत के इन गहन विषय सब्जेक्ट को हम लोग समझ पाते हैं। बाकी संसार के मोह माया में फंसे हुए जीव ऐसे उच्च गीत को, गोपियों की इन उच्च भाव को नहीं समझ सकते। तो क्योंकि हम सब साधना में जुड़े हुए हैं और आचार्य के मुख से उनके चरणों में बैठकर हमने कुछ सुना है, और इसी से मैं कुछ बोलने का साहस करने जा रहा हूँ। अनधिकार चेष्टा तो है ही, वो तो मैं आपको रोज याद कराऊंगा, लेकिन लोभ है कि आज नहीं तो कब। मेरा कोई इतना खास अध्ययन नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी भागवत के प्रारंभिक विषयों पर पढ़ना लिखना सब हो रहा है, दशम स्कंद तो बहुत दूर है, लेकिन बस आचार्यों से जो सुना है, जो हमने पिया है, वो आपको पिलाने का प्रयास करेंगे। आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद निरोध तत्व के अंतर्गत है। याद है आप लोगों को ये सब? हम तुमने याद रहे आप दुण? भागवत में 10 विषय है ना, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में 5 तत्व, कोई कहे कि भगवत गीता को 5 शब्द में बोलनी है, 5 शब्द में गीता सुना दो, तो आप क्या कहोगे? गीता में 5 तत्व है और उसी को समझाने के लिए सारी बातें कही गई है। तो गीता के 5 तत्व पृथ्वी, सॉरी मैं भी भूल गया, वो तो महत्त्व है, श्रीमद् भगवत गीता के क्या कहते हैं, जीव, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, ये गीता के 2 शब्द। मैं खुद भूल गया, बताओ इतना बोलता हूं लेकिन आज मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भंवरे के पीछे घूम रहा हूं ना पिछले कुछ दिनों से, ये भंवरा मुझे बहुत उड़ा रहा है, क्योंकि भ्रमर गीत चल शुरू होने जा रहा है। आप ऐसा मत समझो कि मैं कहता हूं मैं भूल गया तो मैं भूल गया हूं, मैं आनंद करा रहा हूं, बाकी हूं तुम्हारी कृपा आशीर्वाद होने हूं भूलू। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, भगवद गीता के ये 5 तत्व है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, गीता 5 में कंप्लीट। इसी को कृष्ण ने विस्तार से समझाया, तो गीता है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में 10 तत्व का वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवत में 10 तत्व, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। श्रीमद् भागवत में क्रमशः 10 तत्व, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मन्वंतर, ईशानुग्रह, निरोध, मुक्ति और आश्रय, 10 तत्व। श्रीमद् भागवतम का ये जो दशम स्कंध है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, ये भागवत का दशम स्कंध निरोध तत्व है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने इस पर बहुत जोर दिया। अच्छा, इसे निरोध क्यों कहते हैं? निरोध का अर्थ क्या है? यदि एक वाक्य में कहना हो, सुखदेव गोस्वामी वैसे श्लोक में कहते हैं, मैं उसका अर्थ आपको कहूं, श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध निरोध तत्व है, और निरोध तत्व का अर्थ है जीवात्मा की अपनी समस्त वृत्ति और समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान से जुड़ जाना, यही है निरोध। वैसे निरोध नेगेटिव शब्द है, वैसे निरोध माने संसार से मन को रोक देना, संसार की कामनाओं को रोक देना, इच्छाओं को रोक देना, ये शब्द यूं तो नेगेटिव है,
लेकिन आप नेगेटिविटी में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। भाई हमें निरोध करना है, मतलब अपने मन को कंट्रोल करना है, बुद्धि को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, इच्छाओं को कंट्रोल करना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कंट्रोल है तो आदमी परेशान हो जाएगा। लेकिन ये सब न करो, भागवत के दशम स्कंध की कृष्ण की लीला सुनने लगो तो ये सब कुछ अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भागवत का दशम स्कंध निरोध तत्व है। इस दशम स्कंध का जो आश्रय लेता है, दशम स्कंध के आश्रय लेने वाले का आश्रय लेने वाले की समस्त इंद्रियां और समस्त वृत्ति भगवान से जुड़ जाती है। और आप विचार कीजिए कि जब किसी जीव की समस्त वृत्ति वृत्ति समझते ना, एक तो शरीर की जो एक्टिविटी है, समस्त शरीर की एक्टिविटी को भगवान से जोड़ देना, ये तो है, ये तो बारीक हुआ। और आंतरिक जो वृत्ति है, मतलब जो सोच है, जो विचार, अपने सारे विचार तक भगवान से जोड़ देना, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रेम करे तो मात्र भगवान से प्रेम करे, हमारा आनंद बांटे तो केवल भगवान से हमारा आनंद बांटे, हम खेले तो भगवान के साथ खेले, हम खाए तो भगवान के साथ खाए, बस जीवन की सारी वृत्ति और इंद्रिय को भगवान से जोड़ देना, हम कूदे तो भगवान के साथ कूदे, और हम रूठे तो भगवान से रूठे, इवन हम झगड़ा भी करें तो भगवान से झगड़ा करें, ये है गोपियों की अवस्था। ये गोपियां हमारी तरह झगड़ा नहीं करती है बात बात में है? गोपियों का कलह भ्रमर गीत है ना भक्तों, भ्रमर में तो यही है, है? गोपियों की एक अलग स्टाइल है कृष्ण को कहने की, लेकिन ये भूमिका बांध रहा हूं, ये सब समझना पड़ेगा। हम लोग पिछले दिनों क्रूज में कथा थी श्याम सुंदर प्रभु, तो हमारे यहाँ फ्लोरिडा थी क्रूज उपड़ू, तो हम लोग सुबह से लगे हुए थे कि क्रूज में जाएंगे जाएंगे, और जैसे ही एंटर हुए तो मैं तो सीधा बेड पे जाके सो गया, मतलब अभी 3-4 घंटा कोई उठाना मत। तब तक तो खटखटाने के लिए आया कि बाहर निकलो, तो आपने एम किया तो भारत जीव और से अंदर से लॉक करें, आपने सोई गया तो अनाउंसमेंट हुआ यदि आप नहीं आओगे तो हम दरवाजा खोल के अंदर आएंगे, उनके पास तो होता ही है। और सबको बाहर निकाला, सारे लोगों को बाहर निकाला, और 1.5 घंटे तक उन लोगों ने प्रवचन किया कि ये क्रूज यदि डूब जाए तो रक्षा जैकेट पहन लेना, ये हो तो ये सर्विस बोट ले लेना, ये हो, अबे ये डूबे तो एमांथी कोई बचे खरा, आपने प्लेन में बेसे तैर नहीं कहता आम करजो, आम प्लेन पड़े तो एमांथी कौन बचवा, लेकिन वो होता है 1.5 घंटे तक। तो हम लोग भी अब कूदने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी उड़ान भरने जा रहे हैं, तो ये उड़ान भरने से पहले मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा भूमिका, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे तो आगे के प्रसंग को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं ये कह रहा था श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध निरोध तत्व है, निरोध तत्व का अर्थ है अपनी प्रत्येक इंद्रिय और वृत्ति भगवान से जोड़ देना, प्रेम करो तो भगवान से, आनंद बांटो तो भगवान से, खेलो कूदो खाओ सब भगवान से, और रूठना भी हो झगड़ा भी करना हो तो वो भी भगवान से है। ये सभी अवस्था भगवान जो है ना सभी अवस्था में भक्तों को अपनाते हैं, चाहे किसी भी अवस्था में कोई हो भगवान उसे अपना लेते हैं। एक बार एक आदमी ने कहा बाकी सब तो ठीक है लेकिन राम जी ने एक काम अच्छा नहीं किया। भाई कौन सा अच्छा नहीं किया हम भी जाने, काम उस बात बहुत अच्छी थी इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, बोले राम जी ने एक काम नहीं करना था, बोले क्या, बोले जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण के पास तो बहुत बड़ा रथ था, रथ पर ऊपर सवार होकर युद्ध, राम जी के पास रथ नहीं था,
बेचारे राम जी नीचे खड़े खड़े बाण मार रहे थे, वो रथ के ऊपर बैठे बैठे, लेकिन 30 पर भी राम जी ने बहुत अच्छी फाइट की और ऑलमोस्ट रावण हारने वाला था। जब रावण हारने के पक्ष में चला गया ना, राम जी का स्कोर बढ़ गया ना, तब देवता नीचे आए, तब इंद्र नीचे आया कि बाजी राम जी के हाथ में है। तब इंद्र ऑफर करने लगा, प्रभु हम आपके पास आए हैं, ये हमारा रथ आप रख लीजिए। तर दादा युद्ध जीत ही गया छे, अब एक बाण मारने के बाकी रहा है। लेकिन ऐसा जो बुद्धि प्रधान लोग होते हैं ना, जो स्वार्थी होते हैं ना, वो पहले देखते हैं कि भाई ये पक्ष जिसका भारी होगा हम उनमें हो लेंगे। तो राम जी ऑलमोस्ट युद्ध, अब जब युद्ध शुरू हुआ तब इंद्र को आना चाहिए था ना, जब युद्ध शुरू हुआ तब इंद्र को ऑफर करना था, प्रभु आपके पास रथ नहीं है, रथ रख लीजिए, युद्ध कीजिए। लेकिन नहीं, पूरा युद्ध समाप्त होने को आया, राम जी जीतने की कगार में है, तब ऑफर करता है रथ ले लीजिए। तब उस बंदे ने बहुत सुंदर कहा, ऐसे इंद्र को भगा देना चाहिए था, अब राम जी ऑलमोस्ट जीत ही गए थे, तो फिर इंद्र का रथ क्यों लिया? राम जी ने रथ ले लिया, बोले हाँ इंद्र दे दो, मैं तुम्हारे रथ पर चढ़कर युद्ध करूं। और फिर उस रथ पर बैठकर राम जी ने 31 बाण मारे, रावण का वध हो गया। तब उस आदमी ने कहा कि देखो, राम जी की जगह मैं होता ना तो वो इंद्र का रथ नहीं रखता। तब उनको उत्तर दिया कि यही अंतर है साधारण मनुष्य में और भगवान में। हम लोग ऐसे वैसे जैसे तैसे लोगों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन भगवान जैसा भी व्यक्ति हो, चाहे स्वार्थी हो, कामी हो, क्रोधी हो, लालची हो, लेकिन भगवान की शरण में आए तो वे उसे अपना लेते हैं, वे उसे अपना बना लेते हैं। और ये श्रीमद् भागवत का पूरा दशम स्कंद इसी से तो भरा हुआ है। पूतना आई थी मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने अपना लिया, लेभे गतिम धात्री, उनको अपनी मां बना लिया। जो भी है आई है ना मेरे पास, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, ये सब बुरे बुरे लोग आए, फिर भी कृष्ण ने उनको अपना लिया। और जो अच्छे लोग थे, नंद बाबा को अपनाया, यशोदा मैया को अपनाया, गोप गोपियों को अपनाया। तो कहने का अर्थ यह है, श्रीमद् भागवत के इस दशम स्कंद की लीला हमें इंद्रियों और वृत्तियों से भगवान से जुड़ना सिखाती है, जीवन की प्रत्येक क्रिया भगवान से जोड़ना। प्रसंग कुछ इस प्रकार का है, भगवान श्री कृष्ण 11.5 वर्ष तक ब्रज वृंदावन में रहे, बहुत सुंदर सुंदर लीला किए। फिर एक दिन कंस ने अक्रूर को भेजा और अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर चले गए। कृष्ण के सखाओं ने रोका, कहा कि आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द, क्योंकि मेरा एक काम बाकी है, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। गोपियों ने रोका, तब कृष्ण ने कहा कि अक्रूर जी आप ही कह दीजिए, आयासिए, हम आएंगे। तो गोपियों को कहा कि हम बहुत जल्द परसों आ जाएंगे। कहकर गए थे परसों, लेकिन न आए बरसों, लेकिन बरसों बीत गए नहीं आए, परसों की कहकर गए थे, डे आफ्टर टुमोरो आई विल कम, नहीं आए। मथुरा गए। अब जब कृष्ण मथुरा गए तो नंद बाबा ने, बड़े गोपों ने और कुछ छोटे गोपों ने सोचा कि कंस ने धनुष यज्ञ रखा है और सब लोग अपनी अपनी कला दिखाएंगे तो हम भी जाते हैं, वहां तो जनरल आयोजन है। तो नंद आदि गोप भी मथुरा पहुंचे, कंस का वध हो गया, सारा जिस उद्देश्य से मथुरा आए थे वो सारा उद्देश्य पूर्ण हो गया। अब देखो ब्रजवासियों का समर्पण देखो आप। अब नंद बाबा के मन में तो मेंटली प्रिपेयर थे कि मैं लाला को लेकर आया हूं, अब रंगमंच पर ये चारुण मुष्टिक मर गया, कुबलिया मर गया, कंस मर गया, बस अब मैं कृष्ण को लेकर गोकुल चला जाऊं।
नंद बाबा ने कहा कि कृष्ण चलो अब गोकुल वापस लौटते हैं, वैसे यहां खून खराब है, ये सब ठीक नहीं है। तब कृष्ण ने नंद बाबा को कहा, बाबा बाबा यहां पर मुझे अनेक लोगों को सांत्वना देनी है, मुझे देवकी और वसुदेव को मैंने किसी भी प्रकार का सुख सौभाग्य नहीं दिया, मुझे उन्हें भी सांत्वना देनी है, उनको सुख देना है। बाबा मुझे मेरे कर्तव्य को पूर्ण करना है, आप ब्रज चले जाओ, हम कुछ दिन के बाद आपके पास वापस आ जाएंगे। अब देखो ये श्लोक में भागवत में लिखा है कि कृष्ण ने नंद बाबा को कहा कि आप जाओ, मैं कुछ दिन के बाद आ जाऊंगा। और कृष्ण ने गोपियों को भी कहा कि आयासिये, गोपियों तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। लेकिन आप लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत जी में दोनों श्लोक है कि नंद बाबा को कहा कि मैं वापस आऊंगा, गोपियों को कहा आयासिये मैं वापस आऊंगा। लेकिन आप मुझे बताइए, कृष्ण कभी वापस गए तो ये झूठ क्यों बोलते हैं? परम सत्य भागवत का प्रथम श्लोक है, सत्यम परम धीमहि। जब इस बंदे को वापस जाना ही नहीं था तो फिर आयासिये गोपियों को मैं आऊंगा, नंद बाबा को मैं आऊंगा, ये कहने की क्या आवश्यकता थी? हम और आप कृष्ण के ऊपर ये दोष लगा सकते हैं, कृष्ण को कारागार में खड़ा किया जा सकता है, तो फिर अपने आप को परम सत्य मत कहो ना। यदि झूठ ही बोलना है तो परम सत्य मत कहो, सीधा कह दो मैं नहीं आऊंगा, तो वो लोग अपना रास्ता निकाल लेते, है ना। तो आचार्यों ने ये प्रश्न, भागवत तो भागवत है, ये सब भक्तों के स्मरण का विषय है, गोपियों को वादा किया मैं आऊंगा, नंद बाबा को वादा किया आऊंगा, लेकिन फिर भी कृष्ण नहीं गए तो फिर वादा क्यों किया? कारण एक, कृष्ण ने यदि ऐसा नहीं कहा होता कि मैं आऊंगा तो नंद बाबा की लाश गोकुल में पहुंचती। कृष्ण ने यदि गोपियों को यह नहीं कहा होता कि मैं आऊंगा तो गोपियां उसी समय मरकर अपना प्राण त्याग देती। भक्तों ये आयास ये एक शब्द कृष्ण का, ये एक शब्द कि मैं आऊंगा, ये आशा ब्रजवासियों के लिए एक जंजीर का काम कर गई। इस आशा से ही कृष्ण ने इन सब के प्राणों को बांध दिया। एक बहुत बड़ा बंधन था आयासिये मैं आऊंगा, और कृष्ण ने क्योंकि कहा था मैं आऊंगा तो कृष्ण के आने की राह में जैसे शबरी रोज वन में जाती, फल फूल तोड़कर लाती, मार्ग सजाती, मेरे राम जी आएंगे, कृष्ण के आने की आशा में भक्तों रोज वृंदावन सजता था कि आज कन्हैया आएगा, आज आएगा, माखन खाएगा, चोरी करेगा, रास खेलेगा, रोज सजता था। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कहा मैं आऊंगा क्योंकि ये लोगों के प्राण निकल जाते हैं। इस आशा के बंधन में बांधकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अपने कर्तव्य को निभाने लगे। अब क्या हुआ, मथुरा में रहते हुए कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किया। जनक जननी तो यही थे ना, जो बेचारे जन्म से ही कारागार में फंसे हुए थे, दुख भोगत रहे थे, आज तक इन्होंने सुख देखा नहीं क्या होता है। अपने माँ बाप के कर्तव्य में बंधे हुए कृष्ण उनके साथ रहने लगे। देवकी वसुदेव ने देखा कि कृष्ण और बलराम पढ़े लिखे नहीं है। सर्वप्रथम तो कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, कृष्ण और बलराम को जनोई पहनाई, मुंडन कराया, ये सब ब्रज में नहीं हुआ था। मुंडन करके जनोई पहनाई और फिर उज्जैन सांदीपनि ऋषि के आश्रम में कृष्ण और बलराम को पढ़ने के लिए भेजा।
अब ज्यादा तो आवश्यकता थी नहीं, केवल नर लीला कर रहे थे, मर्यादा को रखना था, इसलिए 64 दिन तक सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहे। 64 दिन में 64 कला इनको वो भी क्या सीखना था, लेकिन एक मर्यादा निभाई और 64 दिन के बाद वापस आ गए, मथुरा आए। अब देखिए, अब और एक पॉइंट, मथुरा आए तो कृष्ण ने 4 लोगों को वादा स्ट्रॉन्गली किया था। वैसे तो बहुत सारे लोगों को वादा किए थे, लेकिन 4 लोगों के वादे तो भागवत में लिखे हुए हैं। एक तो गोप ब्रज में गोप और गोपियों को कहा था कि मैं आऊंगा, दूसरा प्रकट रूप से नंद बाबा को कहा था मैं आऊंगा, तीसरा अक्रूर जी को कहा था। आपको याद होगी कथा, कृष्ण बलराम जब मथुरा में आए तो अक्रूर जी ने कहा आपको मेरे घर पर आना पड़ेगा, बोले नहीं चाचा पहले मैं मेरा काम कर लूं फिर मैं आऊंगा। तो अक्रूर जी को वादा भागवत जी में किया मैं आऊंगा, और चौथा कुब्जा को वादा किया था कि शेरंगरी मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। अब कृष्ण जब 64 दिन विद्या कला पढ़कर वापस मथुरा में लौटे तो कृष्ण को ये 4 वादे निभाने थे। कृष्ण कहकर गए थे कि जब मैं गुरुकुल से आऊंगा ना तो मैं आऊंगा, लेकिन कृष्ण ये 4 में से किसी के घर पर नहीं गए, किसी को नहीं मिले, 4 में से किसी का वादा नहीं निभाया। तब यहां पर प्रश्न हो सकता है ना कि चलो ब्रज तो दूर था, वृंदावन दूर था, वृंदावन में गोप गोपी और नंद बाबा के वादा को न निभा सके, लेकिन मथुरा तो मथुरा में ही तो वे रहते थे। अब निकटतम अक्रूर और कुब्जा रहती थी, तो अक्रूर और कुब्जा को मिल लिए होते, कम से कम अक्रूर और कुब्जा के साथ वो तो वादा निभा लिया होता, लेकिन कृष्ण ने यह भी नहीं किया। जब से आए हैं तब से भगवान श्री कृष्ण बेचैन है। कृष्ण यमुना के तट पर रोज सुबह उठकर यमुना के तट पर चले जाते हैं और वहां जाकर आंखों से अश्रु की धारा बहती और रोते हैं। एक बात बताएं, जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख होता है ना, वो दुख 2-5 आदमी के सामने बोल दे तो वो दुख कम हो जाता है, वो हल्का हो जाता है। एक शिष्य अपने गुरु को दुख सुनाकर वो दुख से मुक्त हो जाता है, एक पत्नी अपने पति को दुख सुनाकर, पत्नी पति को दुख सुनाकर, बच्चे माँ बाप को दुख सुनाकर, मित्र मित्र को दुख सुनाकर अपने दुख को हल्का कर लेते हैं। लेकिन भगवान के जीवन में जब दुख आए तो वो किसको सुनाने जाए, पूरी दुनिया भगवान को अपना दुख सुनाती है, ओम जय जगदीश हरे सुख संपत्ति कष्ट, लेकिन भगवान अपना दुख किसको सुनाए। बड़े लोगों के दुख भी बड़े होते हैं, बड़े लोगों के दुख बड़े होते हैं। और दूसरी बात, आप कहोगे कि कृष्ण अपना दुख मथुरा में किसी को सुना दिया होता थोड़ा दुख कम हो जाता, लेकिन एक सिद्धांत है भक्तों, माधुर्य भाव वाले भक्त ऐश्वर्य भाव को नहीं समझ सकते, माधुर्य भाव वाले भक्त ऐश्वर्य भाव को नहीं समझ सकते, और ऐश्वर्य भाव वाले भक्त माधुर्य भाव को नहीं समझ सकते। मथुरा ठहरी ऐश्वर्यमयी नगरी, ब्रज ठहरे माधुर्यमयी नगरी। अब ऐश्वर्यमयी भक्तों के बीच में कृष्ण अपनी माधुर्य की बात किसे सुनाए, क्या सुनाए, कोई समझने वाला नहीं था। एक दिन की बात, रोज की भांति कृष्ण सुबह उठकर विश्राम घाट यमुना के तट पर आकर बैठे, और उस यमुना में उन्होंने क्या देखा कि दूर से एक कमल कृष्ण के पास आया, और वह बहता हुआ कमल कृष्ण ने अपने हाथों में उठाया, कृष्ण ने अपनी नासिका से सूंघा, और कृष्ण की आंखों से जर 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 अश्रु की धारा बहने लगी। श्रीपाद जीव गोस्वामी, ये कोई कपोल काल्पनिक घटना नहीं भक्तों, आचार्यों ने अपने ग्रंथों में लिखा। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो कमल बरसाने से आया था, वो जावट से आया था, वो पुष्प श्रीमती राधा रानी के अंगों को स्पर्श होते हुए
श्रीमती राधा रानी के अंगों में लगे हुए केसर कस्तूरी को स्पर्श होते हुए यमुना में बहते बहते विश्राम घाट पहुंचा और वह पुष्प कृष्ण ने उठाया। कृष्ण परम विह्वल हो गए और कृष्ण आज अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं सकते थे। और कृष्ण का इस प्रकार से वो कमल पुष्प हाथ में लेकर रोना और उसी समय कृष्ण के मित्र उद्धव जी का वहां पर आना, योगानुयोग उद्धव जी यमुना के खोजते खोजते पहुंचे। कृष्ण के मथुरा के मित्र थे उद्धव। उद्धव जिसके विषय में कहते हैं, विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्य बृहस्पते साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमा। विष्णु नाम विष्णु वंश के वे महामंत्री हुआ करते थे। मंत्रणा देना ही तो इनका काम था, महामंत्री थे। और कृष्णस्य दैत सखा, कृष्ण के प्रिय सखा। और ज्ञानी ज्ञान की बात करते हुए कहते हैं, शिष्य बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य। अब बृहस्पति के तो बहुत सारे शिष्य है। बृहस्पति के पास जब कोई पढ़ने आता है ना, तो बृहस्पति अपने चेलों को कहते हैं, इसको ये पढ़ा दो, इसको ये पढ़ा दो, इसको ये पढ़ा दो। लेकिन इसकी विशेषता क्या थी, उद्धव जब बृहस्पति के पास गए तो बृहस्पति ने डायरेक्ट उद्धव को पढ़ाया। इसलिए साक्षात शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। डायरेक्टली बृहस्पति ने उद्धव जी को पढ़ाया। ये डायरेक्ट शिष्य थे बृहस्पति के, इनडायरेक्ट नहीं थे। उद्धव बुद्धि सत्तम। अब उद्धव जी ने पढ़ा था, उद्धव जी ने इतना तो शास्त्रों में पढ़ा था, देखो इनके पास इतना तो नॉलेज है कि भक्त जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उद्धव जी ने पढ़ा था कि भक्त जो होते हैं वो भगवान के विरह में रोते हैं। और भगवान के विरह में भक्तों को रोमांच होना, श्वेद होना, पुलंक होना, आंखों से अश्रु आना, मुंह सूख जाना, अष्ट सात्विक विकार जिसे हम कहते हैं, ये भगवान के विरह में भक्तों को होता है। उद्धव जी ये जानते थे, शास्त्रों में वेदों में लिखा है। लेकिन उद्धव जी का माथा चकराने लगा कि भाई भक्त भगवान के विरह में रोए ये तो ठीक है, लेकिन भगवान होकर किसी भक्त के विरह में रोना ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। बृहस्पति ने मुझे सारे थोथे पोथे पढ़वाए, लेकिन वहां तो कभी मैंने न पढ़ा न शास्त्रों में लिखा। उद्धव जी समझ नहीं पाए। तब उद्धव जी कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु मित्र, आप इतना रो क्यों रहे हैं, आप इतना बिलख क्यों रहे हैं। तब उद्धव जी ने बहुत सुंदर बात कही, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही। आस्वादन कीजिए। हे जी उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल तन यावत सधन त्रिनन की चाही, ब्रज बिसरत नाही। उधो उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। सूरदास जी का ये पद है भक्तों, बिल्कुल प्रामाणिक भागवत के शब्दों को उन्होंने डाला। उदो उदो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। उदो मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। इसका अर्थ क्या हुआ, आचार्यगण इस पर बड़ी टीका की है, उदो मैं भूलने का बहुत प्रयास कर रहा हूं लेकिन ब्रज मैं भूल नहीं पा रहा हूं। उद्धव जी कहते हैं, ऐसा तो ब्रज में क्या है आप भूल नहीं सकते। बोले वृंदावन गोकुल तन आवत है,
सधन त्रिनन की छाई, मुझे वृंदावन के वो वृक्ष और वृंदावन के वो वृक्ष की छांव याद आ रही है। उद्धव, ब्रज के वृक्ष की जो छांव है ना, वो छांव मुझे याद आ रही है, मुझे ब्रज की याद आ रही है। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत, अरुनंद देखी सुख पाव, माखन रोटी दयो सजायो अति अतीत साथ भिखावत, मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव, जब सुबह होती है ना, तो प्रातः समय मेरी माता यशोदा और मेरे नंद, मैं सुबह उठकर माँ यशोदा और नंद का दर्शन करता हूँ और हृदय में बड़ा सुख और बड़ा आनंद होता है। इस दुनिया में सुंदरता तो बहुत होगी, लेकिन अपने माँ बाप की जो सुंदरता है ना, वो दुनिया में किसी में नहीं हो सकती। माँ की सुंदरता, पिता की सुंदरता, और सुबह उठकर उनका दर्शन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और क्या करती थी, माखन रोटी दयो सजायो, मुझे माखन और रोटी देती थी और उसे सजाकर मेरे हित के लिए मुझे खिलाती थी। उद्धव, कभी मैं मना करता था कि मुझे ये नहीं खाना है, तो मेरी माँ कहती थी कि बेटा खा ले, यदि तू खाएगा तो तेरी चोटी दाऊ जितनी बड़ी हो जाएगी। जैसे तैसे मनाते, मेरा हित करते हुए उद्धव मुझे माखन और रोटी खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरा, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सो हस त ब्रजना, मोहि ब्रज बिसरत ना। हे उद्धव, मुझे गोपियों की याद आ रही है। मैं गोपियों के साथ, मैं ग्वाल बालों के साथ खेलता था, दिन भर में उनके साथ शरारत करता था, उन लोगों के साथ मैं हंसता था, उन ब्रजवासियों के साथ मैं बड़ा आनंद करता था। उद्धव, सूरदास जी अंत में कहते हैं कि धन्य है ये ब्रजवासी, धन्य है ब्रजवासी जिनके ब्रज जिनके बीच में रहकर ब्रजनाथ हंसते थे और मथुरावासी के बीच में रहकर ब्रजनाथ रोते थे। इस प्रकार से कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता। उद्धव कहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, उद्धव तो ज्ञानी है ना, डिबेट दे रहा है, कहता है कृष्ण ये सब के लिए रोना नहीं चाहिए, ये आज है कल नहीं है, कुछ दिन का अट्रैक्शन था, कुछ दिन का आकर्षण था, देखो समय बीतने पर मरहम लग ही जाता है, समय बीतने पर बड़े बड़े योग भूल जाते हैं, कुछ दिन के बाद ये भूल जाएंगे। कृष्ण ने कहा नहीं, ये ब्रजवासी मुझे सच्चा प्रेम करते हैं। जब इस प्रकार से पूछा ना, तब उद्धव कहते हैं नहीं, मैं दावा करता हूं कि ब्रजवासियों का प्रेम सच्चा नहीं है। उद्धव जी कहते हैं क्यों, बोले यदि ब्रजवासियों का प्रेम सच्चा होता तो आपके विरह में उनके प्राण छूट जाने चाहिए,
प्रभु आपके विरह में उनके प्राण निकल जाने चाहिए। यदि आप उनके प्राण हो, प्रिय हो और आप यहां हो, उनके साथ नहीं हो, तो वो मर जाने चाहिए। कथम धारयन्ति प्राणान, यदि प्रेम है तो कथम धारयन्ति प्राणान। तब कृष्ण ने भागवत जी में उनका उत्तर दे दिया, उद्धव तुम ऐसा मत कहो, धारयन्ति कृच्छेण। कृष्ण उत्तर दे रहा है, यदि ये प्रश्न हम लोगों का हो तो भी आप सुन लीजिए कि भाई यदि ब्रजवासी प्रेम करते तो प्राण छूट जाते हैं कृष्ण के विरह में, तो कथम धारयति प्राणान, कृष्ण के विरह में प्राण धारण करके क्यों बैठे हैं। तब दशम स्कंद 46 अध्याय छठे श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि धारयन्ति अति कृच्छेण, उद्धव तुम्हें पता नहीं है वो लोग ने अपने प्राण को टिका कर रखा है, बड़ी मुश्किली से टिका कर रखा है, अत्यंत कष्ट सहन करके वो लोग जी रहे हैं, ऐसा नहीं मौज मार कर जी रहे हैं। धारयन्ति अति कृच्छेण, अत्यंत कृच्छेण, बोले अत्यंत कष्ट से अपने प्राणों को बचा कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि प्राय प्राणान कथंचन, जैसे तैसे प्राणों को बचा कर रखे हैं। क्यों? दूसरी लाइन में, क्योंकि उद्धव मैंने वादा किया है, प्रति आगमन संदेशे, मैंने वादा किया है कि मैं आऊंगा, तो मेरे वादे को उन लोगों को मुझ पर विश्वास है कि मैं आऊंगा। इस मैं आऊंगा इस वादे के कारण ही ब्रजवासी अपने प्राण को टिका कर बैठे हैं। भक्तों, आपका हृदय कांप जाएगा जब इस बात को सुनोगे। जब नंद बाबा, कृष्ण ने नंद बाबा को मथुरा से गोकुल भेज दिया और नंद बाबा गोकुल जब अकेले लौटे, यशोदा तो राह देखकर बैठी थी, अभी नंद जी कृष्ण और बलराम को लेकर आएंगे, तो यशोदा मैया ने देखा कि नंद बाबा अकेले आ रहे हैं। नंद बाबा को अकेले देखकर यशोदा ने इतना ही कहा कि कृष्ण बलराम नहीं आए? बोले नहीं, वो नहीं आए। यशोदा ने इतना ही कहा कि कृष्ण मथुरा में रह गए और आप मथुरा से यहां पहुंच गए। कृष्ण मथुरा में रह गए और आप मथुरा से यहां पहुंच गए। यशोदा ने इस प्रकार से मर्माहित वचन कहे। नंद ने कहा, यशोदा मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात कि कृष्ण को छोड़कर आया फिर भी मेरा प्राण नहीं निकला। यशोदा, कृष्ण ने कहा है कि मैं आऊंगा और कल परसों नरसों जब कभी भी कृष्ण आएगा और यदि वो हमें नहीं देखेगा तो कृष्ण रोएगा, कृष्ण को कष्ट होगा कि मैंने कहा था आऊंगा और मेरे पिताजी मर गए। कृष्ण रोएगा और कृष्ण रोएगा, वो दुखी होगा, वो दुख मैं नहीं देख सकता यशोदा, इसलिए मैं मेरे प्राण को टिका कर रखा हूं, अन्यथा ये प्राण टिकने के लिए तैयार नहीं है। धारयन्ति अति कृच्छेण, भागवत का ये श्लोक सिद्ध हो रहा है। धारयन्ति अति कृच्छेण, प्रसंग बहुत ऊंचा है। इस प्रसंग से हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सुंदर समझने लायक है। यह कृष्ण की वियोग लीला हम भक्तों के लिए बहुत आवश्यक भी है। किस महीने में? संयोग में, कृष्ण के साथ जब संयोग होता है तो भक्त लोग कृष्ण के साथ खेले कूदे रह लेते हैं, लेकिन कृष्ण के वियोग में भक्त क्या करता है? कृष्ण के वियोग में भक्त की चेष्टा क्या होती है? कृष्ण के वियोग में भक्त का शेड्यूल क्या होता है? कृष्ण के वियोग में भक्त का मूड क्या होता है? ये इस
कृष्ण की विरह वियोग लीला से ही पता चलता है। और प्रैक्टिकल भक्तों, अवतार काल तो अभी है नहीं, इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण हमारे साथ भी नहीं है, तो एक दृष्टि से हमारा भी कृष्ण से विरह है। तो कृष्ण के विरह में उनके शुद्ध भक्तों ने क्या किया, उनकी क्या चेष्टा थी, वो दिन भर क्या करते थे। आज कृष्ण हमारे साथ भी नहीं है तो इसे एक जबरदस्त प्रेरणा मिल सकती है कि हमें भी कृष्ण के वियोग में क्या करना चाहिए, स्थिति क्या होनी चाहिए, भाव क्या होना चाहिए, मूड क्या होना चाहिए। ये कृष्ण के वियोग से उद्धव जी ने कहा, तो प्रभु अब मैं क्या कर सकता, अब मित्र तो मित्र होता है ना, मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता, कृष्ण मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूं। कृष्ण ने कहा एक काम करो उद्धव, मैं तो ब्रज में नहीं जा सकता लेकिन तुम तो जा सकते हो, उद्धव तुम ब्रज में जाओ और ब्रजवासियों को समझाओ। उद्धव जी ने कहा ठीक है, किस किस को समझाना है मुझे लिस्ट दे दीजिए। अब ये तो इनोसेंट उद्धव, तो बोले किस किस को आपको समझाना है मुझे बता दीजिए, मेरे पास तो नॉलेज है, ज्ञान है और मैं सबको समझा दूंगा। अब ये भी बहुत सुंदर बात, दिल को छूने वाली बात, कृष्ण ने लिस्ट दिया तो क्रम क्या था, यह भी जिज्ञासा होगी ना कि किस क्रम में कृष्ण ने कहा कि किस किस को समझाना है। तो सबसे पहले कहा कि आपको पहले नंद बाबा को समझाना है, पहले नंद को समझाना है। एक बाप होता है ना, बाप अपने बेटे से बहुत प्रेम करता है लेकिन वो जताता नहीं है। माँ तो बोल देती है, माँ तो कह देती है कि मैं बेटे को इतना समर्पण, बेटे के बिना रह नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन माँ से करोड़ों गुना अधिक एक बाप प्रेम करता है, लेकिन बाप बाप होता है ना, वो बोल नहीं सकता। ये सिद्धांत कन्हैया जानता है, कृष्ण ये बात जानता है। इसलिए क्रम जब देना हुआ, उद्धव पहले नंद बाबा से तुम मिलना, फिर किसे मिलूं, फिर यशोदा से मिलना, उसके बाद फिर तुम गोपियों से मिलना। सीखो आज के बच्चों के लिए भी सीखने लायक, आज के जवान पीढ़ियों के लिए भी सीखने लायक। सीधा ये नहीं कहा कि बस गोपियों को सीधा, वो मुझसे प्रेम करती है, ये वो है, पहले नंद बाबा को, फिर यशोदा को, फिर गोपियों को। भक्तों 100 साल, अब ये घटना घटी, इसके 100 साल के बाद कृष्ण का मिलन इन लोगों के साथ हुआ। अब वहां का क्रम देखिए, श्रीमद् भागवत जी में यही कथा है। 100 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से मिले, तो उस कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से जब भगवान श्री कृष्ण मिले तो वहां क्या क्रम था। हमारी तरह सीधे दिन भर काम करके बंदा घर पर आता है ना, सीधे पत्नी के बेडरूम में घुस जाता है, पिताजी क्या कर रहे हैं, माँ क्या कर रही हैं, वो दिन भर राह देख कर बैठे हैं। ऐसा नहीं, कृष्ण ने बहुत सुंदर, सबसे पहले कुरुक्षेत्र में कृष्ण नंद बाबा से मिले, फिर अपनी यशोदा मैया से मिले और फिर अंत में गोपियों से मिले। श्रीपाद जीव गोस्वामी के पास चलते हैं क्रम संदर्भ। इस जीव गोस्वामी ने बड़ा कमाल किया है भक्तों। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि यह क्रम क्यों, देखिए यहां तो एक एक पॉइंट को हमें समझना है ना, यह क्रम क्यों, पहले नंद यशोदा और फिर गोपियां, इसके 2 कारण जीव गोस्वामी ने बताए, हमारे ब्रह्म मधु गौड़ीय आचार्य ने बोले यही मिलने का क्रम है। एक पॉइंट, दोनों पॉइंट बराबर समझने होंगे। बोले जब भी हम हमारे स्वजन को मिलते हैं तो बुद्धि होनी चाहिए पहले किसको मिले, बाद में किस क्रम से मिलना है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं यही क्रम है कि सबसे पहले वडिलों को मिलना चाहिए, सबसे पहले जो वरिष्ठ हैं, जो वडिल हैं, माँ बाप हैं, उनको मिलना चाहिए और फिर आगे बढ़, जीव गोस्वामी का ये कहना। और प्रेमा भक्ति के स्तर पर जीव गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर मत दिया कि जब हम स्वजनों से मिलते हैं, सिद्धांत सुनिएगा, तो स्वजनों को मिलने के क्रम में
जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसको लास्ट में मिलना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसको लास्ट में मिलना चाहिए। कभी कभी हमारा क्या होता है, हम लोग ये सिद्धांत को जानते नहीं है। इसलिए जब कोई गुरुजन, हमारे गुरु महाराज गुरुजन जब आते हैं, वो हमको पहले न मिले, किसी और को पहले मिले तो हम बुरा मान जाते हैं। अरे गर्व लेने की जरूरत है, अंत में मिलना मतलब अधिक प्रेम है उनका आपसे। भगवान का भी यही है ना, भगवान किसको मिलते हैं, जिसकी ज्यादा भक्ति होती है उसको बहुत देरी से आते हैं, समय लगाते हैं। अच्छा, जीव गोस्वामी ने कहा कि जिससे अधिक प्रेम होता है उनको लास्ट में मिलना चाहिए। तो जीव गोस्वामी को पूछा ऐसा क्यों, बहुत सुंदर बात कही कि जिससे अधिक प्रेम होगा उसको आप पहले मिल लोगे तो फिर बाकी के नंबर चूक जाओगे, फिर बाकी जितने बचे हैं वहां आप अपना व्यवहार ठीक से निभा नहीं पाओगे, आप चूक जाओगे। इसलिए जिनसे ज्यादा प्रेम करते हो उनसे सबसे लास्ट में मिलो। भक्तों यही बात रामायण में भी देखने मिलती है। जैसे जैसे भागवत में गोपियों का स्थान है ना, वैसे रामायण में भरत जी का स्थान है, राम के भाई भरत। अद्भुत भक्ति भरत की, भरत का जो समर्पण, बिल्कुल गोपियों की तरह कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, राम जी अयोध्या वापस आए, रावण का वध किए, विभीषण को लंका दे दिए, 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापस। ध्यान से सुनिएगा, जब जब रावण का वध कर दिए, विभीषण को अयोध्या का लंका का राजा बनाए, तो विभीषण ने कहा प्रभु आप कुछ दिन यहां रुक जाइए, क्योंकि कई दिनों से वन में भटक रहे हैं, थक गए होंगे, यहां हमें सेवा का मौका दीजिए। तब राम जी ने विभीषण को क्या कहा, ध्यान से, कि विभीषण मैं भरत के बिना नहीं रह पाऊंगा और भरत मेरे बिना नहीं रह पाएगा, मुझे मेरे भरत के लिए वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, राम जी ने विभीषण को यह कहा। और बात भी सत्य थी, भरत जी ने क्या कहा था कि 14 साल से एक सेकंड भी ज्यादा हुई तो भरत की लाश देखोगे आप, आपकी जीत है, 14 साल आपको बाहर रहना है, रहो, धर्म निभाओ, लेकिन एक मिनट भी अधिक हुई तो भरत की लाश आपके चरणों में होगी। तो भरत की यह प्रतिज्ञा थी, एक एक क्षण की गिनती चल रही थी भरत जी को, और राम जी का प्रेम भी था और विभीषण जी को वाद किया भी, कहा भी था कि मैं भरत के लिए जा रहा हूं। ओके, अब कथा आप याद कीजिए, ये छोटे छोटे पॉइंट बड़ी बड़ी कथाओं में नहीं होते, ये जब इस प्रकार का पाठ मांडते हैं तभी ये सब याद आता है। अब राम जी पुष्पक विमान में बैठे, सारी सेना पुष्पक विमान में बैठी, ये रामायण में ये सब चौपाई श्लोकों में ये सब बातें हैं। पुष्पक विमान अयोध्या में पहुंचा तो आप श्लोक में देखोगे सबसे पहले राम जी किससे मिले, अब यहां पर भी मिलने 14 वर्ष के बाद अब मिलना था, यहां पर भी क्रम आया। तो रामायण में वर्णन है राम जी सबसे पहले गुरु वशिष्ठ को मिले, वशिष्ठ जी के चरणों में वशिष्ठ के साथ राम मिले, ये होता है धर्म कर्म। उसके बाद राम जी किससे मिले, अपनी तीनों माताओं से, और हद तो तब हुई राम जी सबसे पहले कैकेयी से मिले। राम तो राम है ना, ये भी एक अलग सब्जेक्ट है, पहले कैकेयी के पास गए राम जी, फिर सुमित्रा के पास गए और फिर कौशल्या के पास, ये भी प्रेम का क्रम बढ़ रहा है ना आगे। और ये सबको मिलने के बाद लास्ट में भरत से मिले, लास्ट में भरत जी से मिले। अब कहकर क्या आए थे, मैं तो भरत के लिए नहीं रह पाऊंगा, मैं तो भरत को मिलने जा रहा हूं। अब राम जी लंका से आए थे अयोध्या भरत को मिलने, लेकिन पहले इन सब से मिले, पहले भरत को मिलने का बनता है ना। लेकिन सिद्धांत ये है कि सबसे अधिक प्रेम करोगे उसे आप लास्ट में मिलोगे, नहीं तो फिर उसके प्रेम में आप बह जाओगे। जब राम जी भरत जी से मिले ना, घंटों बीत गए, घंटों बीत गए, सुग्रीवादी आए, प्रभु अब आप अपने काम में लगिए, फिर तो भरत जी आपके साथ ही है, बाद में आप चर्चा कीजिएगा। इस प्रकार से
कृष्ण ने उद्धव को कहा कि उद्धव इस क्रम से नंद यशोदा और गोपियों को तुम मिलो। उद्धव जी ने कहा तो अब नए काम में देरी किसकी, सुबह से शीघ्रम मैं चलूं। रुको 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 उद्धव, तुम ऐसे मत जाओ, तुम्हें अपना वेश बदलना होगा। क्यों? भले गोपिया अपने प्रेम की बात किसी को कहेगी नहीं, नंद और यशोदा अपने प्रेम की बात किसी को कहेंगे नहीं, यह भी एक बहुत भारी सिद्धांत। हमारा क्या है ना, हमारे अंदर कोई प्रेम नहीं है, लेकिन कहते फिरते हैं आज तो मेरे सपने में आए थे, आज तो ये क्या फलाना ढिमका, तुम्हें प्रेम करते हो तुम्हारा मोढ़ा आवा हो नहीं है? प्रेम करवाला ना मोढ़ा कहीं अलग होए, मेरा तो बहुत प्रेम है, ये है वो है, फिर भी अच्छा है, वाणी में है तो कल शरीर में होगा, इतना तो अच्छा है। लेकिन कहने का अर्थ यह है, जो प्रेम करेगा वो दिखाएगा नहीं। हमारा क्या है ना, हम छिपाते नहीं है, छपाते बहुत है। ये मेरे जैसे लोगों की हालत हो चुकी है। ये भजन भक्ति साधन प्रेम को छिपाना चाहिए, हमारा छपना ज्यादा हो गया है। याद रहे, इस प्रेम को जितना भी छपाओगे, समाज में प्रस्तुत करोगे, वो कम हो जाएगा, वो घट जाएगा। इसलिए प्रेम को सुरक्षित रखने के लिए उसे छिपाना चाहिए, उसे दबाना चाहिए। कृष्ण ने कहा उद्धव रुको, तुम जाओगे और वो सब तुमसे बात करेंगे कि हम इतना प्रेम करते हैं, ये है। उद्धव नहीं, वो लोग सीधे ऐसा बात नहीं करेंगे। प्रेमी कभी नहीं कहता कि मैं इससे इतना प्रेम करता हूं, प्रेमी कभी नहीं कहता। उनकी बातों को निकालने के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले तुम्हें मेरा वस्त्र पहनना होगा। कृष्ण ने, अब तो कृष्ण यमुना से उठकर कमरे में लेकर गए, कृष्ण ने अपना पीताम्बर दिया, उद्धव ये पीताम्बर पहन लो, उद्धव ये मेरी माला पहन लो। कृष्ण ने अपनी वैजयंती माला उद्धव के गले में पहनाई। कृष्ण ने इस प्रकार से अपने सारे आभूषण वस्त्र अलंकार सब प्रदान कर दिया और उद्धव जी लगभग कृष्ण जैसे लग रहे हैं। और जब उद्धव कृष्ण जैसे लग रहे हैं, इसीलिए तो नंद यशोदा और गोपिया उद्धव के सामने खुली और खुलकर बात हुई। तो यहां पर भी एक समझने लायक पॉइंट यह है कि उद्धव ब्रजवासी भक्तों को कुछ ज्ञान देने जा रहे हैं, कुछ कृष्ण का मैसेज देने जा रहे हैं। और जो कृष्ण का मैसेज समाज संसार या भक्तों को देना चाहता है, उसे भी कृष्ण का प्रतिनिधि की तरह लुक होना चाहिए। हैं? बाल बिखरे हुए हो और ऐसा वैसा पता नहीं कहाँ से आ गया और ऐसा बैठकर कोई कृष्ण कथा करे। देखो, कृष्ण कथा सुनने वाले को, वक्ता को देखकर लगभग कृष्ण की याद आनी चाहिए। यहां पर यह सिद्धांत है कि उद्धव को कृष्ण ने सजाया अपनी तरह, कि उद्धव कृष्ण जैसा दिखे, ताकि उनको ये कृष्ण प्रेम थोड़ा बाहर आ जाए और चर्चा में हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपना स्वभाव, अपना जो है भगवान और भगवान के भक्त की तरह होना चाहिए, ताकि भक्तों के भाव प्रकट हो। इस प्रकार से उद्धव जी निकले हैं। और अब कृष्ण का एक तीर और दो निशाना था। एक तो ब्रजवासियों का ये विरह था, ये तो ठीक है, ये तो इसके लिए उद्धव को भेजा। लेकिन कृष्ण ने ये भी देखा कि उद्धव स्वर्ग से हेवन रिटर्न होकर आए हैं ना, तो थोड़ा सा अभिमान, अभिमान माने शुद्ध अभिमान है, हमारी हमारे जैसा नहीं है, लेकिन ज्ञान का थोड़ा सा वो थोड़ा था। तो बोले वो भी क्लियर हो जाए ना कि ज्ञान बड़ी चीज नहीं है, ज्ञान के ऊपर प्रेम बड़ी चीज है। और कृष्ण ने तो किसी ने पूछा, तो कृष्ण सीधे ही उद्धव को ज्ञान दे देते, ये भी पॉइंट है, कृष्ण सीधे ही उद्धव को नॉलेज दे देते, अर्जुन को गीता सुनाई, इसको भी सुना देते। कृष्ण ने सोचा जो 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 क्लीन स्लेट होता है ना, अर्जुन की तरह क्लीन स्लेट, उसको तो ज्ञान दिया जाता है, लेकिन बहुत बहुत ज्ञान लेकर कोई आपके सामने बैठे और उसको ज्ञान देना, ये तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। आपका कभी ज्ञानियों से पाला पड़ा? नहीं पड़ा, हमारा बहुत लोगों से पड़ा है। ज्ञानियों के सामने ज्ञान की बात करोगे
तो उनका ईगो सीधा हर्ट हो जाएगा, उनको ज्ञानी की बात नहीं दे सकते। अब ये ठहरे इतने बड़े ज्ञानी और कृष्ण उद्धव को सीधा ज्ञान की बात करें तो हो सकता है उनका ईगो हर्ट हो जाए उनको। और दूसरी बात, उद्धव को ज्ञान था, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। उद्धव को प्रैक्टिकल देना था, केवल सुना देना बड़ी बात नहीं है। कृष्ण ने सोचा ये प्रैक्टिकल देखकर आए कि वास्तव में ज्ञान की सीमा क्या होती है। वो कथा हम नहीं सुनते हैं। एक बार एक साधु राजा के बहुत बड़े महल में गया और राजा ने साधु को कहा कि ए साधु, तेरा भगवान क्या करता है। अब जब प्रश्न की टोन सुनकर ही समझ में आ जाता है कि ये अभिमान से भरा हुआ है। हे साधु, तेरा भगवान क्या करता है। अब साधु भी समझ गए कि किस टोन से क्वेश्चन पूछा गया है। साधु ने कहा कि ये प्रश्न पूछ रहे हो गुरु बनकर पूछ रहे हो कि चेला बनकर पूछ रहे हो। राजा ने कहा मेरा टोन ऐसा हो चुका है सबके साथ डीलिंग करने के लिए, लेकिन मैं शिष्य बनकर पूछ रहा हूं और आप गुरु हो। तो बोले गुरु का स्थान कहां होना चाहिए, शिष्य का स्थान कहां होना चाहिए। बोले गुरु का स्थान ऊपर होना चाहिए, शिष्य का नीचे होना चाहिए। तो गुरु तुम के मैं, बोले गुरु आप, तो तुमको कुछ गलत नहीं लग रहा। मैं तुम्हारे स्थान पर बैठूं और तुम मेरे स्थान पर नीचे आ जाओ, तब ये जवाब मिल सकता है कि भगवान क्या कर रहा है। और चिंता मत कर, आज के लोगों की तरह सीट ले नहीं लूंगा, ये तेरा जवाब देने के लिए सीट चाहिए, बाकी मुझे सीट से, कुर्सी से, पोस्ट से कोई मतलब नहीं है। तब जाकर राजा ने कुर्सी छोड़ी, नहीं तो राजा भी चिपक कर बैठा था। राजा उतरा नीचे, गुरु बैठे ऊपर, राजा नीचे खड़े खड़े, बता अब बता तेरा भगवान क्या करता है। गुरुजी ने कहा कि अब भी जवाब नहीं मिला। अरे मैंने तुझे जवाब नहीं दिया, मैंने तुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया, बिल्कुल प्रैक्टिकल मैंने तुझे करके दिखाया। बोले क्या। बोले मेरा भगवान यही करता है, राजा को रंक बनाता है और रंक को राजा बना देता है, ब्रह्मा को चींटी बना देता है और चींटी को ब्रह्मा बना देता है, प्रैक्टिकल। कृष्ण यही चाहते थे कि उद्धव को ब्रजवासियों से मिले तो कुछ प्रैक्टिकल प्रेम और ज्ञान की। उद्धव उसी समय निकले और लगभग शाम को 4, 4:30, 5 बजे उद्धव ब्रज में पहुंचे। और ब्रज में पहुंचकर क्या हुआ ये कथा हम कल सुनेंगे। आज गोविंद टीवी अपडेट हो रहा था इसलिए कथा शुरू होने में थोड़ी सी, आप देख ही रहे ना क्या अपडेशन है, तो कथा शुरू होने में थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन कल से समय से हम करेंगे और इस दिव्य प्रसंग को हम सब श्रवण करके हमारे जीवन को कृतार्थ करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी भक्तों को कि बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस कथा का श्रवण आप सभी भक्तों ने किया। और विशेष धन्यवाद दूंगा हमारे चतुर भाई और कमरा बहन के इस पूरे परिवार को, श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु, सविता बहन, भूमिका बहन, अमित कुमार, सुनील प्रभु, पारुल माता, मनीषा बहन, संजय कुमार, आप सभी भक्तों को धन्यवाद। यह सुंदर कथा का आयोजन करके मेरा और पूरी जनता का एक कल्याणमय कार्य किया है। आइए जय जयकार करते हुए हम प्रथम दिन के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान लाल गोविंद जी का कि आज इस प्रथम दिवस भागवत कथा के अंतर्गत बहुत ही सुंदर हमने सर्वप्रथम आज के दिन की महिमा जो कि भगवान श्री श्री राधा कृष्ण का विवाह उत्सव मनाया जाता है भांडीरवन में, जो कि स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी द्वारा किया गया, और प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर इस कथा का हमें रसपान कराया, और इसके पश्चात बहुत ही सुंदर यहाँ पर इस भ्रमर गीत की कथा को प्रभु जी ने एक भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया है, और इतनी अद्भुत आज की कथा रही है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी का, और साथ ही साथ धन्यवाद करते हैं हमारे इस समस्त पटेल परिवार का जिन्होंने यह सुंदर सहयोग किया है, जिसके फलस्वरूप आज हमको इस भागवत कथा का आस्वादन करने को मिल रहा है। तो हमारे इस समस्त पटेल परिवार तथा श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी का हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अभिवादन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। और साथ ही साथ धन्यवाद हमारे अमृत चर्चा परिवार के सभी वैष्णव भक्त वृंद का जिन्होंने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी, इस कथा को स्मरण किया, श्रवण किया, तब सभी धन्यवाद के पात्र हूँ। और हमारे जो YouTube Facebook के श्रोतागण हैं उनको भी हम धन्यवाद करते हैं, तो आप सबका भी धन्यवाद। बस इसी प्रकार से भागवत कथा श्रवण करते रहिए। और गोविंद टीवी ने बताया कि आज जो यहाँ पर हमारे साथ में श्रोताओं की संख्या रही है YouTube Facebook के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर, वो है 16,322 भक्तों ने इस कथा को श्रवण किया टिल नाउ, तो हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से कथा श्रवण करते रहिएगा। वास्तव में जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं दैट इज यू नो एपिटम ऑफ लव, इसमें हम कहा जा रहे हैं भक्ति प्रेम की पराकाष्ठा या भक्ति की जो पराकाष्ठा है उस विषय के विषय में हम यहाँ पर आस्वादन कर रहे हैं। सो इट विल टेक टाइम टू ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब करने में इसमें समय लगता है, बट फिर भी यही औषधि है, इसे श्रवण करना चाहिए, इसी से हमारा कल्याण होगा। जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि ये जो श्रीमद् भागवतम का ये दसम स्कंध है वो निरोध तत्व में आता है, और इसे श्रवण करने से हम जो प्रयास कर रहे हैं हमारे मन को इंद्रियों को कंट्रोल करने का वो अपने आप होने लगता है। फील लिसन हियर केयरफुली एंड यू नो इस विषय को, तो प्लीज स्टे ट्यून। हम आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से इस कथाओं को हम श्रवण करेंगे प्रभु जी के मुखारविंद से, एंड क्योंकि समय हो चुका है इसलिए हम सब सीधे श्रीमद् भागवतम की आरती करेंगे, कीर्तन करेंगे, आज के सत्र को विराम करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती पावन पुराण की, आरती पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्याम हरे राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 बोलो
राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम।